कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू। नरेश की माँ अपने बेटे से मिलने दिल्ली आ रही है। इस बात का पता चलते ही नरेश के दिल में हलचल मच जाती है। नरेश अपनी माँ के स्वागत की तैयारी में लग जाता है, साथ ही उसे डर भी सताने लगता है कि उसकी माँ कहीं अपनी पुरानी जिद पर फिर से बैठ ना जाए। हे भगवान, इस बार बचा लो, अगले साल पक्का माँ की जिद पूरी कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है तो सामने अपने मकान मालिक को देख कर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी। नमस्ते अंकल, कुछ काम था, मुझे बुला लेते, आपने क्यों कष्ट किया? अरे नहीं नहीं इसमें कष्ट कैसा, मैं तो बस तुम्हें रीना से मिलवाने आया था। आज से रीना तुम्हारे साथ इसी फ्लैट में रहेगी। अंकल कोई लड़का फ्लैटमेट नहीं है, एक अनजान लड़की के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा। देखो नरेश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस फ्लैट में तुम्हें किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना ही होगा, या फिर तुम अकेले पूरे फ्लैट का किराया दे दो, मैं किसी को नहीं रखूंगा। नरेश अपने मकान मालिक की बात सुन के रीना के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाने लगती है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा जब उसकी माँ रीना के बारे में उसे पूछेगी। दिन बीतने लगते हैं, नरेश और रीना अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, पर अभी भी नरेश अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। एक दिन नरेश बहुत परेशान सा बैठा होता है, तभी रीना उसे पूछती है, क्या हुआ नरेश, तुम काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो खुशी की बात है। हाँ रीना, बट मेरी माँ एक जिद लेकर बैठ गई है कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ऊपर से जब वो तुम्हें देखेगी तो 100 सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा? अरे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जिससे ना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेंगी। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि रीना खुले ख्यालों वाली लड़की है, कहीं माँ को सच बता ना दे। नरेश को सोच में डूबा देखकर रीना कहती है, अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? डोंट वरी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा प्लान? मैं समझाती हूँ, हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, तो तुम इस रूम का किराया दे देना जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी, सिर्फ तब तक, और तुम अपनी माँ से कह देना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इससे वो मेरे यहाँ रहने पर कोई सवाल भी नहीं करेंगी। अरे बात तुम्हारी ठीक है, पर माँ से झूठ बोलना, ना ना बाबा मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, कोई और आइडिया दो ना तुम। देखो मंजूर हो तो बोलो, वरना सच बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। बहुत सोचने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो रीना के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रीना से बात करता है और अपनी माँ की पसंद और नापसंद के बारे में बताता है। रीना भी नरेश की सभी बातों को ध्यान से सुनती है ताकि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब नरेश की माँ उससे मिलने दिल्ली आ जाती है। नरेश अपनी माँ को फ्लैट पर लेकर जाता है। जैसे ही नरेश की माँ फ्लैट के अंदर जाती है, रीना उसके पैर छू लेती है। ये देखकर नरेश की माँ थोड़ी घबरा जाती है और नरेश से पूछती है, अरे बेटा नरेश ये कौन है? माँ ये आपकी बहू रीना है, माफी चाहता हूँ सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बता ही नहीं पाया, इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। अरे बेटा मैं तो बस तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। हाँ बहुत अरमान थे अपनी इकलौती बेटी की शादी को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। ये कहते ही नरेश की माँ रीना को गले लगा लेती है। रीना बेटिया, मेरा बेटा ना थोड़ा नादान है पर तुम काफी समझदार लगती हो, और मैं जानती हूँ कि तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। नरेश की माँ अपने बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दिन बीतने लगते हैं, नरेश की माँ और रीना का रिश्ता बहुत मजबूत होता चला जाता है। वो दोनों सारा दिन एक साथ रहती और खूब बातें करती। इधर साथ रहते रहते नरेश और रीना भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है, फिर भी वो इस बात को छुपा कर ही रखते हैं।
एक दिन नरेश की माँ और रीना शादी के बारे में बात करने लगते हैं। रीना बिटिया, ये तो नरेश ने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वरना मैं तो अपनी इकलौती बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करती कि सारी दुनिया देखती रह जाती। अच्छा माँ, आप ऐसा भी क्या करती नरेश और मेरी शादी में जो दुनिया देखती रह जाती? अरे बिटिया, एक माँ के अरमान तुम अभी नहीं समझोगी। मैं तो अपनी बहू को एक रानी की तरह लेकर आती और शादी भी बिल्कुल शाही अंदाज में करती, पर मेरे तो सारे अरमान ऐसे ही रह गए। खैर, मुझे तो अपने बेटे और बहू की खुशी चाहिए बस। ये कहते हुए नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीना भी ये सुनकर ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि वो भी मन ही मन खुद को नरेश की पत्नी और उसकी माँ की बहू मानने लगी थी। शाम को जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो रीना खुद को रोक नहीं पाती और नरेश के सामने उसकी माँ को अपने और नरेश के रिश्ते का सारा सच बता देती है। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ दोनों से बहुत नाराज हो जाती है और घर वापस जाने की बात करने लगती है। तुम दोनों ने मुझसे सच छुपाकर बहुत ठेस पहुंचाई है मुझे। अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती मैं। कल ही वापस चली जाऊंगी अपने घर। माँ मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने रीना के कहने पर ही किया है, वरना मैं भी आपको कभी ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ माँ, हमने ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए किया, प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया है, और वैसे भी मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। माँ की ये बात सुनकर रीना खुद को रोक नहीं पाती। माँ, क्या मैं आपके घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ? रीना की बात सुनकर नरेश हैरान रह जाता है। नरेश की माँ भी कुछ समझ नहीं पाती। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं वो नरेश से बहुत प्यार करती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको भी अपनी माँ मान बैठी हूँ। आज जब आपकी बातें सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए सारा सच आपको बता दिया। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे नरेश और रीना को गले लगा लेती है। मेरे घर की बहू तो सिर्फ रीना बिटिया ही बनेगी। मैं आज ही तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा दूंगी, बस एक बार तुम्हारे घर वाले मान जाए। उसी दिन रीना के माता पिता भी उनके फ्लैट पर आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बैठकर बातें करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। रीना भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहती है, सही मायने में मैं अब बहू बनूंगी, अब तक तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू थी।